आठ साल के बाद पर्दे पर एक विलन की वापसी हो रही है। 2014 में निर्देशक मोहित सूरी ने एक शानदार फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एक विलन। एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, अच्छा म्यूजिक था, अच्छा सस्पेंस था, अच्छा थ्रिल एलिमेंट था, अच्छा अभिनय था। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ही सफल हुई थी। अब उस फिल्म का सीक्वल एक विलन रिटर्न्स आ रही है, बनकर तैयार है, जो 29 जुलाई को रिलीज़ होगी। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और ट्रेलर रिलीज़ होने के साथ ही पूरी तरह से धूम मचा रहा है। लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस ट्रेलर को। इस ट्रेलर में भी काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। इससे 2 मिनट 40 सेकंड के इस ट्रेलर में हर चीज़ नज़र आ रही है जो एक अच्छी फिल्म में होनी लाजमी है। जैसे इमोशन का एलिमेंट भी इस ट्रेलर में नज़र आ रहा है, एक्शन का एलिमेंट भी नज़र आ रहा है, अच्छा अभिनय भी देखने को मिल रहा है और साथ में अच्छा निर्देशन। मोहित सूरी इस तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी फिल्म बनाते हैं, वो नज़र आ रहा है कि एक बार फिर से मोहित सूरी ने अच्छी बनाई है। साथ में इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी बहुत ही शानदार नजर आ रही है। एक विलन, पहली जो एक विलन थी उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर थे। इस फिल्म में सीक्वल में अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। रितेश देशमुख ने पिछली फिल्म में राकेश माटकर की भूमिका निभाई थी जिसने 18 लड़कियों का कत्ल किया था, क्योंकि लड़कियों ने या महिलाओं ने उसको कहीं ना कहीं अपमानित किया था जिस वजह से वो साइको किलर बन गया था और बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुई थी रितेश देशमुख की उस भूमिका के लिए। इस फिल्म की अगर बात करें, जो ट्रेलर में देखने के बाद महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो किलर है वो एक तरफा प्यार वाले लड़कों के लिए मसीहा बना हुआ है। यानी एक लड़के ने अगर किसी लड़की से प्यार किया और वो लड़की ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर उस लड़की की हत्या हो जाएगी या हत्या हो रही है इस फिल्म में। ट्रेलर देखने के बाद कम से कम यही महसूस होता है। पिछली एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक गुंडे की भूमिका में थे, रितेश देशमुख बहुत ही साधारण सा आदमी के रोल में थे, तो उस फिल्म का जो सस्पेंस था तब भी महसूस नहीं हो रहा था। बहुत समय तक ये महसूस नहीं हो पा रहा था कि इस फिल्म में विलन कौन है, क्योंकि श्रद्धा कपूर की हत्या हुई थी। अब इस फिल्म में उस सस्पेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाकर रखने की कोशिश की जा रही है जो ट्रेलर में देखने को महसूस हो रहा है। और आपको बता दें कि इस फिल्म में जो 4 किरदार हैं, समझ में आपको नहीं आएगा कि असल में, कम से कम ट्रेलर देखकर तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है विलन। जॉन अब्राहम है, अर्जुन कपूर है, तारा सुतारिया है या फिर दिशा पाटनी है। मैं गेस कर सकता हूं, आप भी गेस कर सकते हैं। मैं जो गेस कर रहा हूं या जो अंदाजा लगा रहा हूं कि कौन हो सकता है विलन, वो मैं अपना अंदाजा आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद ट्रेलर को देखिए और अंदाजा लगाइए और जब फिल्म रिलीज होगी तब एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन है विलन। और यही है इस फिल्म की खासियत, इस जो ट्रेलर देखने के बाद पता चल रहा है कि यही है इसकी फिल्म की खासियत कि कौन है, मतलब विलन, इसका अंदाज़ा लगाना अभी कम से कम बहुत मुश्किल है। बहरहाल ट्रेलर देखने के बाद ये लगता है कि एक अच्छी फिल्म के लिए जो मसाले होने चाहिए, जिस तरह की कहानी और ख़ास तौर से सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के लिए जिस तरह का सस्पेंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में मौजूद हैं।